हेलो दोस्तों, वेलकम टू अग्गे अर्थमेटिक्स। आज के टॉपिक में हम समझेंगे कि स्विच बोर्ड कनेक्शन का जो दूसरा फेज़ है, यानी कि जिसमें फ्यूज़ इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है, उसका कनेक्शन कैसे होगा। आइए समझते हैं। इसमें जो सबसे पहले फ्यूज़ यूज़ कर रखा है, उसके बाद इंडिकेटर, फिर थ्री पिन सॉकेट और फिर एक स्विच, जो 3-6 स्विच लगे हुए हैं उनका यूज़ कर रखा है। आइए समझते हैं कि कैसे ये वर्क करते हैं, कैसे इनका प्रिंसिपल होगा। दोस्तों, अब हम मेन सर्किट को समझ लेते हैं कि कैसे करके ये वर्क करेगा। तो देखिए, हमने क्या यूज़ करा है, फ्यूज़ इंडिकेटर, जो कि मैं अभी बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर स्विच है, 3 स्विच है। इस स्विच को हम इस थ्री फेज जो थ्री पिन सॉकेट है इसके साथ कनेक्ट करेंगे, इस स्विच को थ्री पिन सॉकेट के साथ करेंगे, और इन दो स्विच और ये 4 स्विच हैं इनका यूज़ हम कहीं और करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारा क्या आता है, फेज़। क्योंकि फेज़ हम हटा देते हैं, ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो फेज़ क्या होता है, तो पूरी सर्किट की लाइट चली जाती है। तो हमें जो मेन फेज़ देना होगा वो कहाँ देना होगा, फेज़ के पहले टर्मिनल पर। ठीक है, फिर ये जो टर्मिनल होगा इससे दूसरा जो निकलेगा वो एक जाएगा इंडिकेटर में। ठीक है, इंडिकेटर में एक क्या होता है, एक होता है लोड, एक होता है न्यूट्रल। ठीक है, तो लोड पे गया, फिर लोड से क्या करेंगे, अब ये देखिए ये तो सब स्विच है, तो स्विच में हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक कनेक्टर देंगे स्विच के फेज़ में। ठीक है, फिर यही जो कनेक्शन है वो एक कनेक्शन जाएगा यहाँ पर स्विच के। ठीक, अब ये सब क्या होता है, पैरेलल में, तो इनको इससे दे दिया कनेक्शन, इसको इससे दे दिया कनेक्शन। ठीक है, ये तो सब स्विच स्विच में कनेक्शन आ गया, जैसे यहाँ दे दिया मैंने, इसके बाद इसको दे दिया। ठीक है, अब देखिए ये और ये हमें सीरीज में करना है, और अब मैंने बताया था कि पीछे की तरफ किसके में था, लेफ्ट वाले में, राइट वाले में नहीं। तो यहाँ से क्या होगा, ऊपर से कनेक्शन आएगा, वो किस में दे देंगे, इसमें। वैसे ही सेम मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे ही सेम किस में आएगा, नीचे वाले में। ठीक है, तो ये था, ये इतना कनेक्शन बन गया। अब हम समझ लेते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल कहाँ आएंगे। देखिए न्यूट्रल कहाँ कहाँ आएगा, एक न्यूट्रल आएगा सॉकेट में, थ्री पिन सॉकेट के, एक इसमें आएगा और एक इंडिकेटर में आएगा। और एक क्या होगा, जो ये मेन फेज़ वाली तार है, इसको मान लीजिए हम इसको इधर कर देते हैं, कहाँ, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से आ रही है, तो यहाँ से हमें एक एक दो तारें होती है ना, तो एक तो फेज़ वाली होगी न्यूट्रल, एक न्यूट्रल वाले को इधर लेके आए, एक किधर दिया, इसको कनेक्शन दिया, इसी से पैरेलल इसको दिया, इसी से पैरेलल इसको दे दिया। तो ये ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे और न्यूट्रल वाला आ जाएगा। और अगर आपके अर्थ है तो अर्थ के में क्या होगा, अर्थ अर्थ को कनेक्ट कीजिए और एक तार ये नीचे की तरफ कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गया मेन सर्किट का। अब हम समझ लेते हैं कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, फ्यूज़। तो ये हमने बना लिया फ्यूज़ का डायग्राम। ठीक है, फ्यूज़ का ये लोड आ गया। इसके बाद क्या आता है, इंडिकेटर। ठीक, सबसे पहले क्या आया, इंडिकेटर। इंडिकेटर का पहला पार्ट किससे जुड़ा है, लोड से, लोड से जोड़ दिया, ये इंडिकेटर हो गया। दूसरा पार्ट न्यूट्रल से, ये न्यूट्रल की तरफ चलेगी, यानी कि क्या लिख देते हैं ऊपर, एन, न्यूट्रल। ठीक है, फिर देखिए जो ये इधर की तरफ जो ये दिख रहा है, जो ये स्विच दिख रहा है, तो इस स्विच को किससे करा है, लोड से, जो मेन फेज आ रहा था। ठीक है, तो ये आ गया स्विच, स्विच आ गया। ठीक है, और स्विच का दूसरा तार कहाँ गया, वो जहाँ कनेक्शन देना होगा। ठीक है, ये जो तार है ये कनेक्शन के लिए, जिससे हमें कनेक्शन देना है। फिर इसके बाद जो दूसरा स्विच है उसको भी हमने क्या कह दिया है, पैरेलल के द्वारा, क्योंकि देखिए ना सीरीज नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए हमने इसको कनेक्शन दिया और इसका दूसरा पॉइंट इससे से कनेक्ट होता तो वो सीरीज होता। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, फिर हमने स्विच कर रेखा है। ठीक, फिर हमने ये जो दिख रहा है आगे, इसमें भी स्विच दे रेखा है, ये स्विच दिया। लेकिन अब ये जो ये है इस थ्री पिन के साथ है, ये किसके है, सीरीज में, तो आगे क्या आ जाएगा, थ्री पिन, और थ्री पिन का दूसरा कहाँ गया, न्यूट्रल। ठीक है, ये तो हो गया इस वाले सर्किट के लिए। अब ऐसे ही ये देखिए, ये लोड जो आ रहा था मेन लोड, यही पैरेलल के द्वारा इसमें आया है, तो सेम
जो ये ऊपर प्रोसेस करी है, ये जो पूरी प्रोसेस है, यही पूरी प्रोसेस कहाँ हो जाएगी, यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। बस फिर क्या था, ये जो जो ये है, इससे द्वारा आप इसको दे सकते हैं फ़ैन में, इसको दे सकते हैं लाइट में, इसको दे सकते हैं किसी और चीज़ में, किसी और चीज़ में दे सकते हैं, डबल लाइट में दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि कैसे करके सीरीज आ रही है, कैसे करके पैरेलल आ रहा है। देखिए, स्विच और सॉकेट के बीच में क्या आएगा, सीरीज। स्विच और सॉकेट के बीच में क्या आएगा, सीरीज। बाकी सब में क्या है, पैरेलल। देखिए, अगर फ्यूज़ हटा दूँ, ये फ्यूज़ है, ये हटा दूँ, तो फ्यूज़ और ये सब पूरा सर्किट क्या है, सीरीज में। तो क्या होगा, ये पूरा सर्किट क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, फ्यूज़ के हटते ही। और फ्यूज़ ऑन रहेगा तो क्या होगा, वोल्टेज इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इक्वल सब में जाती रहेगी और सब के वर्क होते रहेंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर मान लीजिए मैं इसी को सीरीज में कर देता, ऐसे ऐसे करके इससे जोड़ देता, तो क्या होता कि जो वोल्टेज इसको मिलती और जो वोल्टेज आगे जाती, वो क्या हो जाती, वोल्टेज कम होती जाती, आगे जाती और कम होती जाती, तो इससे हमारे जो फंक्शन है, मेन फंक्शन है, वो नहीं हो पाते, ठीक है। तो समझ लीजिए हमने कि कैसे करके सीरीज और पैरेलल होगा। थैंक यू। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।